अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले जो है आप लोगों को ईद मुबारक, उसके बाद जुमा मुबारक। क्योंकि आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से फिर मेरी वीडियो जो है ना, वो मैंने एक दो वीडियो बना के भी रखी हुई थी इससे पहले की, लेकिन वो भी मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर देना अच्छा सा, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो। मैं कपड़े सिलाई इतने ज़्यादा आ गए थे, इतने ज़्यादा लोगों ने एंड पे आके मुझे कपड़े दिए थे, तो इस वजह से फिर मैं ईद की भी वीडियो नहीं बना सकी, उसे 2 दिन पहले भी नहीं बना सकी और ईद के 2 दिन बाद भी नहीं बना सकी। आज ईद वाले दिन भी मैंने कपड़े सिलाई किए हैं, ईद के दूसरे दिन भी किए हैं, आज तीसरा दिन है ईद का। वो देखिए मैं अभी भी कर रही हूँ, तो किसी ने गाँव जाना है, किसी ने किधर जाना है, तो किसी ने किधर जाना है, फिर उसी के मुताबिक मैं कपड़े सिलाई करती आ रही हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो मैं ना आपसे कोई शेयर कर सकी हूँ, ना मैं खाना, ना पीना, ना ये ना वो, कोई चीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकी, इसलिए कि मैं जो है ना बहुत बहुत बिजी थी। तो आप लोगों ने भी नहीं पूछा कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, और बंदा एक मैसेज करके बोल देता है ना कि सिस्टर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, कोई वजह, कोई परेशानी, कोई ये कोई वो। तो अभी मैंने सोचा कि चले एक वीडियो बना के अपलोड कर ही दूँ, और आप लोगों से ईद मुबारक भी मैंने कहा था, तो आप लोगों को ईद मुबारक हो। तो अभी ये देखें, मैंने ईद पे कपड़े नहीं सिलाई किए थे, और ये देखें ईद पे कपड़े लिए थे और एक सूट लिया था, बाकी मैंने नहीं लिए थे। अभी गर्मियों के भी कपड़े लेने हैं, वो मैं बाज़ार जाऊंगी तो फिर लेके आऊंगी, और बाज़ार जाने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि कपड़े मेरे सिलाई वाले ज़्यादा, मैंने कहा एक बार ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर मैंने लाहौर जाना है, लाहौर अपनी भाभी के पास जाना है, और वो भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन वो पता नहीं कि मैं संडे या मंडे को जाऊँगी, तो मेरे कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं सिलाई करती हूँ तो वो और दे जाते हैं, मैं सिलाई करती हूँ तो वो और दे जाते हैं, मैं क्या करूँ, इतनी मैं बिज़ी हूँ, इतनी बिज़ी हूँ, ना कोई घर का काम शेयर कर सकती हूँ, ना मैं सिलाई का कोई शेयर कर सकती हूँ। एक दिन में, ईद से पहले मैंने एक दिन में 5 सूट सिलाई किए थे। आप यकीन करें कि मैं मेरे ऐसे ये चेयर पर बैठी होती हूँ और टेबल ये मैंने आगे रखी हुई है, और जैसे ही मैं सिलाई कर रही थी ना, तो ईद वाले दिन ना मुझसे चला नहीं जा रहा था कि मैं मतलब है कि काम कर सकूं, उधर से आना जाना लगा हुआ था मेहमानों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का, तो इस वजह से फिर मैं आपसे ना कुछ भी शेयर नहीं कर सकी। तो अभी भी ये देखें, अभी मैं 2 सूट मैंने कल किए हैं, ईद वाले दिन भी किए हैं, और ये जो अभी सूट सिलाई कर रही हूँ ना, इसके साथ फिर मैंने एक और भी करना है, और 2-3 सूट और पड़े हैं, तकरीबन 5 सूट हैं अभी भी, तो अभी वो सिलाई करूँगी। भाई बहुत थक गई हूँ मैं। और ये देखें, ये मेरा स्टैंड है ना, तो इसका ना वो नहीं है, पेज नहीं है, ये देखें ये भी मैंने उतार के रखा हुआ है जिसमें मोबाइल लगता है। तो इसकी जो एक ये वाली है ना, ये हैंडल सा है जो कैमरे को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो इसका पेच गुम हो गया, तो इस वजह से फिर मैं जो है ना वो रख के इस तरह नहीं बना सकती। अब इसका मैं बाजार गई थी कि ये ठीक करवा लूँ, तो उसके बाद फिर मैंने ये देखी गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये जाली का मैं पर्दा लेके आई थी, ये वाला, तो मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए जो है ना वो मैंने लगा दिया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये पर्दा। तो मैं उधर गई थी इतवार बाजार, तो मैंने कहा ये पर्दा ले ही आऊँ, तो अभी मैं सिलाई करने लगी हूँ, थोड़ी देर के बाद दूसरा कटिंग करूँगी सूट। कटिंग करके तो मैं, मेरी कोशिश है कि आज मैं तकरीबन तकरीबन 2-3 सूट सिलाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं क्या करूं, इतना टाइम नहीं है कि मैं खाना भी टाइम से खा सकूं। और अभी मैंने बहू को लगाया, मैंने कहा हांडी बनाओ और मैं कपड़े सिलाई कर लूं, तो उसके बाद फिर खाना शाना खा के ना फिर मैं इस तरह सिलाई पे बैठ जाऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखें तो ज़रूर 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 जो है ना वो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।